दोस्तों कि जैसे कि हम आज के टाइम पे हमने आपको पहले ही बताया कि हम मार्केटिंग के थ्रू एक सर्वे करते हैं और क्लाइंट की रिक्वायरमेंट देखते हैं कि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट क्या है 3 BHK के फ्लैट के लिए आज के करंट सिनेरियो में। तो उसमें देखा जा रहा है जितने भी हमारे क्लाइंट्स आते हैं हमारे पास, उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स ये होती है कि हमें 3 BHK का फ्लैट जो चाहिए, एटलीस्ट 100 स्क्वायर यार्ड का एरिया होना चाहिए, एक फ्लैट पे एक सिंगल इन्वेंट्री होनी चाहिए सो दैट एक प्राइवेसी रहे अपने हर फ्लैट की, साथ ही साथ पॉकेट फ्रेंडली प्राइस होना चाहिए और मेट्रो स्टेशन के ज़्यादा अंदर ना हो, सिर्फ और सिर्फ 300 से 400 मीटर के डिस्टेंस पे होना चाहिए। तो उसको देखते हुए आज मैं एक फ्लैट लेके आया हूँ, बहुत ही वाजिब प्राइस में लेके आया हूँ, बहुत ही अच्छी लोकेशन में लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। 3 BHK का बिग साइज फ्लैट लेके आया हूँ दोस्तों। अप्रोक्सीमेट जो इस 3 BHK का फ्लैट का जो साइज है, कवर्ड एरिया 110 गज का कवर्ड एरिया होने वाला है, एक फ्लोर पे एक ही फ्लैट होने वाला है, LIC से इसमें फाइनेंसिंग भी हो जाएगी आप लोगों के लिए 6.8 रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, जो कि बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट आज के टाइम पे चल रहा है। एक छोटा सा ओवरव्यू देखिए, सिनेमैटिक व्यू देखिए मेरे इस फ्लैट का, उसके बाद मैं आपको कंप्लीट डिटेल देता हूं। तो अब हम चलते हैं ओवरव्यू पे। तो जैसे कि देख सकते हैं दोस्तों, इस समय हम अपनी बिल्डिंग के ठीक सामने हैं और आप अपना स्ट्रीट का साइज में अगर बात करूंगा, मेरी इस बिल्डिंग के जो सामने स्ट्रीट साइज़ आ रहा है वो अप्रोक्सीमेट 20 फीट वाइडर स्ट्रीट साइज़ है। देखेंगे कि काफ़ी स्पेशियस हमारा ये स्ट्रीट साइज़ है, ऐसा नहीं है कि इसमें कोई 15 फीट या 18 फीट का स्ट्रीट साइज़ है। और आज की जो बेसिक नेसेसरी है हमारी, गैस कनेक्शन, सीवरेज कनेक्शन, वाटर कनेक्शन, MCD वाटर, ग्राउंड वाटर, ये सारी चीज़ें हमारे फ्लैट पे होनी चाहिए। तो ये सारी फैसिलिटी हमारे सराउंडिंग में हैं ऑलरेडी। और आप देखेंगे बिल्कुल मेन मार्केट का मेरा ये फ्लैट है, मतलब सराउंडिंग में जो भी आपको एमिनिटीज़ चाहिए वो सारी अवेलेबल होंगी, लाइक जिम हो गया, डेली बेसिस की रिक्वायरमेंट के लिए मिल्क हो गए, बटर हो गया, एग्स हो गए, तो उसकी प्रॉपर एक शॉप भी है यहाँ पे। ये हमारा कम्प्लीटली फ्रंट एलिवेशन है जो कि आप देख सकते हैं। हमने यहाँ पे कम्प्लीटली स्टील का ये डोर बनाया है, सिंगल डोर है हमारा स्टील का, और मेन डोर से भी देखेंगे अप्रोक्सीमेट 4 से 5 फीट की हाइट इसकी ऊपर की ओर है, जो ये मेरा फ्लैट है। एक बार आप फ्रंट एलिवेशन देखिए, क्रीम एंड ब्राउन कलर के हमने टाइल्स के साथ और UPVC शीट्स के साथ हमने ये पूरा फ्रंट एलिवेट इसका प्रिपेयर किया है। तो इसकी जो स्पेशलिटी है, हमने किसी तरह का यहाँ पे आयरन का डोर नहीं लगाया फ्रेंड्स, कम्प्लीटली स्टील का पूरा डोर है, सिंगल डोर है। जितने भी मीटर कनेक्शन रहेंगे सारे आउटसाइड रहेंगे, इंटरकॉम की यहाँ पे आपको फैसिलिटी भी दी गई है। गैस कनेक्शन देखेंगे ऑलरेडी मेरे यहाँ पे बिल्डिंग में आए हुए हैं, ये हमारा आ गया गैस कनेक्शन। अब जो बेस्ट पार्ट है, ऑलमोस्ट 4 फीट की हाइट से हमने ये फ्लैट हमारा उठा हुआ है, यानी कि कल को ये रोड दोबारा से रिपेयर होती है तो ये लेवल पे नहीं आएगा, स्टिल अपर साइड रहेगा हमारा। और जो बेस्ट पार्ट आप देखेंगे अंदर की ओर, हमने किसी तरह का यहाँ पे कोई ग्राउंड फ्लोर पे कोई चूहा साइड या बच्चा साइड नहीं बनाया है, पूरी पार्किंग दी है, यानी कि हर फ्लैट के लिए पूरी अपनी एक गाड़ी की पार्किंग रहेगी। और ऑलमोस्ट 4 फीट की हाइट की हमने यहाँ पे टाइल्स दी हैं और पूरी पार्किंग में हमने फॉल सीलिंग का वर्क किया हुआ है फ्रेंड्स, सो दैट कोई भी छोटा मोटा गेट टुगेदर हो आप अपना यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं अपनी फैमिली के साथ। इवन इस बिल्डिंग में सिर्फ 4 ही फैमिली आएंगी तो आपकी एक अच्छी बाउंडिंग रहेगी, तो आप किसी तरह का कोई भी फंक्शन हो,
जो आप अपनी फैमिली के साथ और अपने नेबर्स के साथ एंजॉय कर सकते हैं। और ये एरिया हमने दिया है, देखिए इनकन्वीनियंस ना हो, आप अगर कोई फंक्शन कर रहे हैं तो ये हमने टॉयलेट एरिया दिया है, जो कि आपको स्पेशली पार्किंग एरिया में भी दिया है, जिसका आप यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। तो मोस्टली क्लाइंट्स की यही रिक्वायरमेंट होती है, जब भी वो फ्लैट देखने जाते हैं बिल्डिंग में लिफ्ट रनिंग नहीं होती, और इवन बिल्डिंग में पार्टी शिफ्ट होने के बाद भी लिफ्ट रनिंग होने में काफ़ी लेट हो जाता है। तो उसकी इनकन्वीनियंस आप लोगों को फेस ना करनी पड़े, तो आप देख सकते हैं मेरी ये लिफ्ट ऑपरेशनल है और रनिंग है मेरी ये लिफ्ट। साथ ही साथ आप स्टेयर्स भी यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा आगे आएंगे आप देखेंगे ये हमने दिया है मोटर सेक्शन, समर सीवर हमने यहाँ पे ऑलरेडी ग्राउंड वाटर लगा के रखा हुआ है, और यहाँ पे आपका मोटर सेक्शन हो जाएगा, यानी कि MCD वाटर कनेक्शन आपको यहाँ पे दिया जाएगा इंस्टॉल करके। आप देखेंगे स्टेनलेस स्टील की पूरी हमने यहाँ पे ग्रिलिंग करी है, और बहुत ही अच्छे मार्बल के साथ हमने यहाँ पे स्टेयर्स प्रिपेयर की है फ्रेंड्स। फोकस लाइट्स लगाई हैं, सो दैट रात बिरात आप कभी स्टेयर्स को भी यूज़ करना चाहते हैं तो स्टेयर्स भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैं लेके चलता हूँ सैम्पल फ्लैट पे आपको फ्रेंड्स, क्योंकि मेरी इस बिल्डिंग के अंदर एक फ्लोर पे एक ही फ्लैट है, तो आपको ये एडवांटेज मिलेगा कि आप अपना शू रैक इजीली प्लेस कर सकते हैं, यहाँ पे आप अपना स्वीट होम की कोई बहुत ही खूबसूरत सी सीनरी भी लगा सकते हैं फ्रेंड्स। हमने डबल सेफ्टी का ध्यान रखते हुए आपको एक आयरन गेट भी इंस्टॉल करके दे रहे हैं, साथ ही साथ वुडन गेट भी आपको लॉक के साथ इंस्टॉल करके यहाँ पे दे रहे हैं फ्रेंड्स। तो अब मैं आपको व्यू देने वाला हूँ आपके खूबसूरत फ्लैट का। स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल इंटीरियर होम्स में। तो दोस्तों आ गए हैं हम अपने खूबसूरत से आलीशान के 3 BHK के फ्लैट के अंदर फ्रेंड्स, जो कि बहुत ही पॉकेट फ्रेंडली फ्लैट है। सबसे पहले मैं एंट्रेंस से ही शुरुआत करूँगा कि मेरे इस फ्लैट की एंट्रेंस कैसे होने वाली है फ्रेंड्स। आप देखेंगे एक फ्लोर पे एक ही फ्लैट है, यानी कि पूरे मालिक आप ही हैं अपने फ्लैट के, ये नहीं कि किसी के साथ शेयरिंग है, सामने वाले भी फ्लैट है, किसी और के घर में कोई आ रहा है नोक आपका घर कर रहा है, ऐसा नहीं होने वाला दोस्तों। ये आपका हमने पहले दे दिया आयरन गेट, जो कि बेसिक रिक्वायरमेंट है हर क्लाइंट की, कि हमें कल को कोई भी पर्सन अगर आता है नोक करता है तो हम वुड का डोर ओपन करके आयरन के डोर से हम एटलीस्ट फेस टू फेस इंट्रैक्शन कर सकें कि कौन पर्सन है। अगर अननोन है तो उसको अलाउ ना करें, नोन है तो उनको अलाउ करें हम। साथ ही साथ आप देखेंगे जो डोर है बहुत ही खूबसूरत प्रीमियम क्लास का हमने ये डोर प्रिपेयर किया है आप लोगों के लिए, जैसे कि हम आपके लिए फ्लैट्स भी प्रिपेयर करते हैं। हैंडल लॉक्स के साथ है, बहुत ही क्वालिटी का हमने यहाँ पे आप लोगों के लिए हैंडल लॉक भी लगाया है फ्रेंड्स। साथ ही साथ आप देखेंगे हमने यहाँ पे आप लोगों के लिए कर्टन भी लगाए हुए हैं, सो दैट आपकी फ्लैट की लुक के अंदर किसी तरह की कोई कमी ना आए। अच्छा, बहुत सारे लोगों की यही इंक्वायरी होती है, यार पहले रेट बता दो, पहले प्राइस बता दो, पहले प्राइस बता दो। तो ये मैं आपको पहले ही रिवील कर रहा हूँ, 43 लाख रुपीस के अंदर ये मेरा फ्लैट होने वाला है फ्रेंड्स। 100 गज का फ्लैट ऑन पेपर है, कवर्ड एरिया 110 गज का है, 3 BHK का फ्लैट है फ्रेंड्स, इंडिपेंडेंट फ्लैट है, मेट्रो स्टेशन से सिर्फ 200 से 300 मीटर के डिस्टेंस पे मेरा ये फ्लैट है, मेन रोड से जुड़ा हुआ मेरा ये फ्लैट है, गैस कनेक्शन, सीवरेज कनेक्शन, MCD वाटर, ग्राउंड वाटर, सभी फैसिलिटीज, मेन मार्केट से लगा हुआ मेरा ये फ्लैट है। मतलब आप यहाँ से 10 कदम चलेंगे तो मेन मार्केट आ जाएगी, जहाँ पे आपको फूड कोर्ट, जिम, मतलब जो भी आपकी डेली बेस की बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं वो फुलफिल होती हैं। तो इस समय हैं हम अपने लिविंग एरिया में फ्रेंड्स, लिविंग एरिया देखेंगे, बहुत ही स्पेशियस लिविंग एरिया है फ्रेंड्स आपका, ये पूरा कंप्लीटली लिविंग एरिया होने वाला है, मतलब अमेजिंग। यहाँ से अगर आप एल कॉर्नर का आप अपना सोफा प्लेस करते हैं, मतलब मैं डिज़ाइन भी बता रहा हूँ कैसे आपने अपने लिविंग एरिया को प्रिपेयर करना है, आप यहाँ पे 11-सीटर सोफा ईजिली लगा सकते हैं, 9-सीटर भी सोफा लगाते हैं, 2 पफीज आ जाते हैं, सेंटर टेबल आ जाता है ठीक सामने की ओर, ये नहीं बिल्कुल सटा हुआ, बिल्कुल उसके बाद भी काफ़ी स्पेस आ जाता है। हमने यहाँ पे आप लोगों के लिए मतलब 65 इंचेस का हमने यहाँ पे LED पैनल भी लगाया हुआ है फ्रेंड्स, डिज़ाइनर लाइट्स हैं, फॉल सीलिंग का वर्क देखेंगे बहुत ही प्रीमियम क्लास का, बिकॉज 3 BHK फ्लैट है, प्रीमियम क्लास की हमने यहाँ पे आप लोगों के लिए फॉल सीलिंग की है। फैंस भी इसमें हम इसी तरह से आपको लगा के देंगे, झूमर जो लगा हुआ है जो कि आपकी इस फ्लैट की लिविंग एरिया की ब्यूटी को काफ़ी इन्हेंस करता है, वो भी आपको यहाँ पे लगा हुआ फ्रेंड्स मिलेगा। तो वॉलपेपर देखेंगे
मतलब पर्ल्स और गोल्डन कलर का ये हमारा डायमंड एंड पर्ल्स में बहुत ही प्रीमियम क्लास का यानी वॉशेबल 3D वॉलपेपर है। मतलब एक पिक्चर भी क्लिक करेंगे तो ये डायमंड्स की जो लुक आने वाली है बिल्कुल रियल लुक आने वाली है फ्रेंड्स। तो ये हो गया हमारा लिविंग सेक्शन। लिविंग सेक्शन इसका बहुत ही क्लासी हमने प्रिपेयर किया फ्रेंड्स। देखो हर किसी की होती है प्राइवेसी की, अगर कोई पर्सन लिविंग सेक्शन में है तो उसको बेडरूम तक इंटरफेस ना करना पड़े, मतलब ताक झांक ना चल पाए। तो यहाँ पे हम आप कर्टन आप देखेंगे, एक कर्टन्स लगाएंगे। तो ये आ गया मेरा फर्स्ट बेडरूम। फर्स्ट बेडरूम के डोर्स को भी देखेंगे, डोर में किसी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। ऐसा नहीं कि एक ही बेड आपके एंट्रेंस वाले डोर ही हमने ऐसे प्रिपेयर किए हैं। बेडरूम का भी डोर आप देखेंगे इसी तरह का प्रीमियम क्लास का बेडरूम है। अब अंदर का इंटीरियर आप देखेंगे, मतलब दिल खुश हो जाएगा दोस्तों। ये हमारा चमचमाता 3BHK का फ्लैट सिर्फ और सिर्फ 43 लाख में ढूंढने से भी नहीं मिलने वाला दिल्ली शहर के अंदर। दैट्स माय चैलेंज फ्रेंड्स, वो भी मेट्रो स्टेशन से सिर्फ और सिर्फ 200 से 300 मीटर की दूरी पे सारी फैसिलिटी के साथ। अब आ जाते हैं हम कि हमारा बेडरूम कैसे प्रिपेयर होने वाला है। पहले तो मैं बता दूँ बहुत ही स्पेशियस है, स्पेस इतना दिया है कि आप मजा ही आ जाएगा जब आप इसको फिजिकल अपीयरेंस के साथ यहाँ पे विजिट करने वाले हैं फ्रेंड्स। ये आ जाएगा आपका एरिया 6x6 बिग साइज के आपके बेड का, यानी कि आप यहाँ तक आपका बेड आ जाता है, उसके बाद भी अप्रोक्सीमेट 3 फीट का आपका स्पेस बचता है फ्रेंड्स। और राइट साइड में देखेंगे हमने वुडन अलमीरा आप लोगों के लिए पूरी प्रिपेयर की है शू रैक के साथ, मतलब आप यहाँ पे अपने जितने भी शूज हैं यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। तो दोस्तों ये आ जाता है हमारी विंडो एरिया। विंडो का जो बेस्ट पार्ट है यहाँ पे आप अपना यहाँ पे विंडो एसी प्लेस कर सकते हैं। और जो भी ये हमने विंडो दी है, मतलब ऐसा नहीं कि उसका जो साइज़ है वो बहुत छोटा है, ऑलमोस्ट 6 फीट वाइडर मेरी ये लॉन्गर विंडो रहेगी और ओपन विंडो है। सो दैट आप विंडो एसी लगाते हैं तो आपको जो भी उसका आउटडोर की एयर होती है वो इजीली पास हो सके और ह्यूमिडिटी की कोई स्कोप ही ना रहे यहाँ पे फ्रेंड। एक छोटा सा आप इजीली लुक देखिए मेरी इस बेडरूम का। एक आ गया आपका ड्रेसिंग टेबल आ गया, यहाँ पे आपका बेड प्लेस करने का एरिया आ गया, ये आपकी आ गई वुडन अलमीरा, और ये आ गया बहुत ही प्यारा सा शोकेस जो हमने आप लोगों के लिए प्रिपेयर किया है। फॉल सीलिंग देखेंगे, बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट पे हमने ये फॉल सीलिंग आपके लिए वर्क फॉल सीलिंग का किया हुआ है फ्रेंड्स। पिंक कलर के साथ ही साथ ऑफ वाइट कलर के हमने यहाँ पे लाइट्स के साथ आप लोगों के लिए बेडरूम प्रिपेयर किया है। अगर टाइल्स भी देखेंगे फ्रेंड्स, डिजिटल विट्रीफाइड टाइल्स यूज़ करी हैं, स्क्रैचलेस टाइल्स हैं, मतलब इसकी एवर लास्टिंग ऑलमोस्ट लाइफ रहती है। कर्टेन देखेंगे, हमने कर्टेन यहाँ पे भी आपको जो एंट्रेंस के टाइम पे भी डोर पे दिए हैं, साथ ही साथ आपको यहाँ पे हमने विंडो के पास भी यहाँ पे आपके लिए कर्टेन दिए हैं, सो दैट बिल्कुल हाइड हो जाए ये एरिया और बहुत ही क्लासी आप लोगों का ये फर्स्ट बेडरूम होने वाला है फ्रेंड्स। तो मैं जैसे ही एंटर करता हूँ अपने इस एरिया से, सामने की ओर मेरा लिविंग एरिया आ जाता है, राइट साइड में एक बेडरूम आ गया, और साथ ही साथ अब मैं आपको कवर करने जा रहा हूँ जो हमारा कॉमन वॉशरूम होता है। तो कॉमन वॉशरूम का एरिया देखेंगे, जो स्पेस है बहुत ही अच्छा स्पेस है, डिसेंट स्पेस है फ्रेंड्स। मतलब एंट्री स्किड्स हमने यहाँ पे टाइल्स दी हैं, वॉल टू वॉल पूरी थोड़ा सा क्लासी हमने वॉल टू वॉल टाइल्स का भी ऑप्शन दिया है। हैंगिंग सीट रहेगी आपकी डाइवर्टर्स के साथ, फॉल सीलिंग का वर्क है, साथ ही साथ एग्जॉस्ट लगाने का भी यहाँ पे आप लोगों के लिए स्पेस रहेगा फ्रेंड्स। और बहुत ही प्रीमियम आपका ये बेडरूम के कॉमन सॉरी बहुत ही प्रीमियम आपका ये कॉमन वॉशरूम एरिया भी रहने वाला है फ्रेंड्स। वॉशरूम में मैं एक छोटा सा और आपको ओवरव्यू देना चाहता हूँ कि हमने जितने भी डोर्स बनाए हैं, जितने भी वुडन डोर बनाए हैं, जितने भी चौकट्स हैं, सारे देखेंगे किसी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। सेम सिनेरियो में सेम पैटर्न में हमने सारे वुडन डोर रखे हैं। जनरली क्या होता है, टॉयलेट का वुडन डोर है, इसको थोड़ा सा लाइट क्वालिटी का बना ले, बट क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। अब दोस्तों आपके इस फ्लैट में कोई ह्यूमिडिटी ना रहे, आपको यहाँ पे हमने विंडो स्प्लिट एसी का भी प्रोविज़न दे दिया, यहाँ पे आप अपना स्प्लिट एसी भी लगा सकते हैं फ्रेंड्स।
और विंडो आपका ये जो डोर रहेगा, डोर के ऊपर आप यहाँ पे इजीली अपना एग्जॉस्ट फैन भी लगा सकते हैं, सो दैट ह्यूमिडिटी आउटसाइड हो जाए फ्रेंड्स। तो अब उसके बाद हमारा ये तकरीबन 4 फीट चौड़ा ये वाइडर हमारा ये एरिया आ जाता है, जिसको हम पैसेज एरिया कहते हैं, जो हमें कनेक्ट करता है अनदर 2 बेडरूम्स में और किचन एरिया में। तो सबसे पहले ये आपको एक वॉल दिखाना चाहूँगा, ये आर्टिफिशियल ग्रास के साथ हमने ये वॉल आप लोगों के लिए प्रिपेयर की है, सो दैट यहाँ पे आप अपनी फैमिली की मेमोरी प्लेस कर सकते हैं, जो कि आपके फोटो फ्रेम्स में आप अपनी फ़ोटो को लगा के यहाँ पे अपनी एक क्लासी आपकी वॉल प्रिपेयर कर सकते हैं फ्रेंड्स। अब पैसेज एरिया से होते हुए जैसे ही आगे आते हैं, तो अनदर बेडरूम आप लोगों के लिए, क्लासी आप लोगों के लिए बेडरूम भी प्रिपेयर किया हुआ है। ये मेरा दूसरा बेडरूम आ जाता है फ्रेंड, जैसे कि शाफ्ट एरिया हमने यहाँ पे भी आपको दिया हुआ है, सो दैट घुटन वगैरह आपको फील ना हो। और वुडन अलमीरा का वर्क देखेंगे, बोथ साइड हमने यहाँ पे आप लोगों के लिए किया हुआ है। शू रैक का भी ऑप्शन यहाँ पे आप लोगों के लिए अवेलेबल है, मतलब बड़ा 3 BHK है, तो बेडरूम साइज भी बहुत बड़े और डिसेंट होने चाहिए। तो ये आपका रियल में बिग साइज 3 BHK होने वाला है फ्रेंड्स, जो कि सिर्फ और सिर्फ 43 लाख रुपीज ऑनवर्ड से स्टार्ट है। मार्केट में नहीं मिलेगा ऐसा 3 BHK, मेन रोड से सिर्फ 200-300 मीटर दूर, मार्केट से सिर्फ 5 से 10 कदम की दूरी पे, और इतना स्पेशियस, इतना खूबसूरत। तो अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, ये वॉल आ गई जिसपे हमने बहुत ही एलिगेंट आप लोगों के लिए वॉलपेपर लगाया हुआ है, डिज़ाइनर लाइट्स दी हैं यहाँ पे, हमने बहुत ही रॉयल यहाँ पे हमने पेंट यूज़ किया है। फॉल सीलिंग का वर्क देखेंगे, बहुत ही क्लासी आप लोगों के लिए ब्लू एंड पिंक कलर के कॉम्बिनेशन में फॉल सीलिंग वर्क किया हुआ है फ्रेंड्स। जैसा ये फ्लैट है एज इट इज़ आप लोगों को मिलने वाला है। साथ ही साथ आप देखेंगे, मतलब टाइल्स से भी हमने कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करा, सेम पैटर्न की हर बेडरूम में हमने टाइल्स भी दी हैं, जो कि इसको काफ़ी, मतलब ब्यूटी को काफ़ी, मतलब अच्छे से एक्सप्रेस कर रही है। साथ ही साथ आप देखेंगे यहाँ पे हमने स्प्लिट एसी का आपको कनेक्शन भी दिया है, ताकि आपको इस बेडरूम में आप अपना इजीली स्प्लिट एसी लगा सकें, इंटरनल वायरिंग के साथ हम यहाँ पे आपको दे रहे हैं। और ये कर्टेंस देख रहे हैं दोस्तों, प्रीमियम क्लास के आपको कर्टेन भी आपको फ्लैट के अंदर लगा के दे रहे हैं रॉड के साथ। तो दोस्तों, अगर हम मार्केट में अच्छा बिग साइज 3 BHK फ्लैट सर्च करें, जो कि मेन रोड से कनेक्टेड हो, तो आज की अप्रोक्सीमेट जो उसकी वैल्यू आती है, बेयर मिनिमम 55 लाख से स्टार्ट होती है, और ये मेरा फ्लैट सिर्फ स्टार्ट हो रहा है 43 लाख से। ट्रस्ट मी, बहुत प्रीमियम क्लास की लोकेशन, मेट्रो के बिल्कुल नज़दीक, बिग साइज 3 BHK हमने ये आप लोगों के लिए प्रिपेयर किया है। अब मैं आपको कवर कर रहा हूँ किचन सेक्शन। किचन सेक्शन देखेंगे, बहुत ही स्पेशियस किचन है, मतलब अगर एक पर्सन वॉशिंग एरिया में हो, एक पर्सन कुकिंग एरिया में हो, और एक हेल्पिंग के लिए यहाँ पे चॉपिंग एरिया में हो, चॉपिंग के लिए हो, तो बहुत स्पेस है फ्रेंड्स। आपको यहाँ पे हम चिमनी भी प्लेस करके दे रहे हैं, साथ ही साथ आपको यहाँ पे आपका जो गैस कनेक्शन होगा वो यहीं से इनबिल्ट होके आपको मिलेगा, यानी विंडो भी मिल गई, एग्जॉस्ट फैन लगाने का ऑप्शन भी मिल गया, चिमनी भी मिल गई। आप जितना मर्जी छौंका लगाइए, जितना मर्जी जैसी भी सब्जी बनाएंगे, आपकी उसकी जो एयर है वो आपके रूम्स में या लिविंग एरिया में नहीं जाएगी, वो सिर्फ और सिर्फ बाहर जाएगी यहाँ से। फॉल सीलिंग का वर्क देखेंगे, हमने यहाँ पे भी आप लोगों के लिए पूरा कम्प्लीटली पूरे फ्लैट में आप लोगों के लिए फॉल सीलिंग का वर्क पूरा किया हुआ है। कॉम्बिनेशन देखेंगे, मतलब डार्क ब्राउन और वाइट कलर के कॉम्बिनेशन में, जिसमें बहुत ही शाइनी सनमाइका यूज़ किया है, आप देख सकते हैं बहुत अच्छी और बहुत ही एलिगेंट लुक आ रही है। फोकस लाइट्स लगाई हुई हैं हमने यहाँ पे, ताकि आपको मतलब कुकिंग के टाइम पे किसी तरह की प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। और जितने भी आप ये देखेंगे ड्रॉर्स देखेंगे, सारे के सारे स्टेनलेस स्टील के साथ हैं, मतलब आप जितना मर्जी कुकिंग में आप मतलब वॉशिंग के टाइम पे गीले बर्तन रखते हैं, आपको यहाँ पे कोई जंग वगैरह नहीं लगने वाला है आपका। ये आपका मतलब आप जो अपना आटे का बॉक्स आप यहाँ पे अपना रख सकते हैं। ये एरिया आ गया जहाँ पे चम्मच हो गई, जो गीले बर्तन हो गए, मतलब पूरा स्टेनलेस स्टील का आपको काम यहाँ पे करके दे रहे हैं। फुल्ली स्पेशियस आप लोगों का ये किचन होने वाला है फ्रेंड्स। जो भी एट प्रेजेंट आपके किचन के अंदर जितना भी सामान होगा, जितने भी बॉक्सेस होंगे, वो सारा का सारा सामान आप यहाँ पे इजीली प्लेस कर सकते हैं, और डैम श्योर फिर भी स्पेस अवेलेबल होगा किसी और चीज़ के लिए।
अब 3 BHK है, कंसर्न ये भी आता है कि रेफ्रिजरेटर रखने का एरिया कहाँ होगा। तो ठीक साथ में ही हमारा आ जाता है रेफ्रिजरेटर रखने का एरिया, जो कि अटैच है किचन से ही, क्योंकि मोस्टली जितनी भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं किचन से हमें, मतलब फ्रिज ओपन किया, चाहे वाटर चाहिए, चाहे धनिया अदरक जो भी है, मतलब जितना भी सामान होता है वो यहाँ से आप अपना किचन के अंदर इजीली यूज़ कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ से होते हुए ठीक उसके सामने हमारा एरिया अपना आ जाता है थर्ड बेडरूम, जो कि बहुत ही क्लासी आपका थर्ड बेडरूम भी होने वाला है फ्रेंड्स। स्पेस देखेंगे, स्पेस की कोई कमी नहीं है फ्रेंड्स, बहुत ही स्पेशियस आप लोगों के लिए ये बेडरूम होने वाला है। देखेंगे वॉलपेपर बहुत ही यूनिक और बहुत ही क्लासी आप लोगों के लिए वॉलपेपर है, डिज़ाइनर लाइट्स हैं, फॉल सीलिंग का वर्क हमने यहाँ पे भी आप लोगों के लिए किया हुआ है। देखेंगे मतलब जो शेप आ रही है बहुत ही यूनिक शेप में आप लोगों के लिए ये फॉल सीलिंग का वर्क किया हुआ है फ्रेंड्स। अटैच वॉशरूम है यहाँ पे भी आप लोगों के लिए, स्पेस बहुत है यहाँ पे आपका अटैच वॉशरूम में भी, वॉल टू वॉल कंप्लीट टाइल्स हैं, सीट्स जितनी भी होंगी सारी अच्छी क्वालिटी की सैनिटरी आइटम्स होंगी, साथ ही साथ एग्जॉस्ट का ऑप्शन भी दिया है और फॉल सीलिंग का वर्क आपका वॉशरूम में भी किया हुआ है फ्रेंड्स। ये एरिया आ जाता है अब हमारा बालकनी सेक्शन, बट मैं यहीं पे आपको कुछ और भी कवर करना चाहता हूँ ताकि ह्यूमिडिटी ना हो। हमने आपको यहाँ विंडो भी दे दी और विंडो एसी लगाने का प्रोविज़न भी दे दिया फ्रेंड्स। डोर दे दिया आपको तकरीबन 8 फिट की हाइट का, सेम पैटर्न में डिज़ाइनर वॉल आपको आपको डोर भी दे दिया फ्रेंड्स। ये एरिया आ गया मेरा कम्प्लीटली बालकनी सेक्शन। बालकनी देखेंगे बहुत ही लॉन्गर और बहुत ही स्पेशियस बालकनी है, पूरी स्टील की हमने यहाँ पे ग्रिलिंग की हुई है टफन ग्लासेस के साथ, सो दैट एक प्रीमियम क्लास की आपकी बालकनी की लुक भी रहे। यहाँ पे आपके दोनों आउटडोर आ जाते हैं स्प्लिट एसी के फ्रेंड्स। अपने यूं चलते 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 तीन बोलो दोस्तों, अच्छी लोकेशन मेट्रो स्टेशन के बिल्कुल नज़दीक, हार्डली 200 से 300 मीटर के डिस्टेंस पे आप लोगों के लिए 3 BHK का फ्लैट, इंडिपेंडेंट फ्लैट, मतलब एक फ्लोर पे एक ही फ्लैट, बिग साइज फ्लैट और पूरा खूबसूरत काम किया हुआ, अच्छे वुडन वर्क के साथ काम किया हुआ फ्लैट आप लोगों के लिए प्रिपेयर किया है फ्रेंड्स। सिर्फ और सिर्फ स्टार्टिंग प्राइस है 43 लाख, मतलब आइए देखिए और बुक कर लीजिए। कोई नीचे ग्राउंड फ्लोर पे हमने बस कोई बच्चा सेट, चूहा सेट या फिर छोटा मिनी फ्लैट नहीं बनाया है, सिर्फ और सिर्फ पूरी कंप्लीट पार्किंग दी है, सेपरेट टॉयलेट भी दिया है, आप अपना इवन 2 गाड़ी भी बहुत आराम से यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं और LIC से इवन लोन भी ले सकते हैं दोस्तों। इतनी सारी फैसिलिटी के साथ हमने आप लोगों के लिए कवर्ड एरिया इसका आ जाता है अप्रोक्सीमेट 110 गज का, इतना खूबसूरत फ्लैट बनाया है, बहुत ही क्लासी आप लोगों के लिए काम भी किया हुआ है। आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करनी है ये वीडियो, आपके थ्रू जो भी ये फ्लैट लेना चाहें वो रियली में अप्रिशिएट करेंगे आपको कि आपने हमें आपके थ्रू कुछ अच्छी चीज़ अच्छे प्राइस में खरीद सके। हम कुछ नहीं करना, मेरे दिए गए नंबर पे कॉल करनी है, अपॉइंटमेंट बुक करनी है और साइट विजिट करनी है। लिमिटेड इन्वेंट्री है, सिर्फ 3 इन्वेंट्री बची हैं फ्रेंड्स, आपने अपनी पसंद की इन्वेंट्री को चूज़ करना है और पिक करना है और अपना मनपसंद फ्लैट खरीद लेना है। मेरे इस चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करनी है, सो दैट मेरी जितने भी वीडियो आए वो आप देख सकें और अपने मनपसंद फ्लैट को खरीद सकें इंटीरियर होम्स के थ्रू। अपना मनपसंद फ्लैट खरीदिए। तो आज के लिए धन्यवाद।